हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कोई ठीक है, ठीक ही होंगे। हम लोग अभी तक फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर आपका पढ़ रहे थे, क्लास एट का। हमने जाना फोर्स क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फिर हमने जाना कि अगर फोर्स अप्लाइड करेंगे, मल्टीपल फोर्सेस मतलब एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाइड करेंगे एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होगा। वही अगर अप्लाइड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा। फिर हमने जाना कि फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, कैसे करते हैं, न्यूटन में करते हैं। फिर हमने जाना बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस तक, मतलब क्या है। यहाँ तक सारी कहानी, फोर्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, हमने जान लिया। फोर्स के बारे में हम लोग को पता चल गया फोर्स क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे फोर्स कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले फिर से वही बात बोलूँगा जो हर बार बोलता हूँ और आपके लिए ही बोलता हूँ। क्या कि मैं हर चीज़ बोर्ड पर लिखता हूँ, इसलिए लिखता नहीं हूँ कि आपको बस देखना है, रिलैक्स होके छोड़ देना है। आपको टॉपिक भाई समझना है, कॉपी में नोट्स बनाना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दो महीने बाद भी कॉपी देखो, समझा हुआ चीज़ को लिखोगे ना कॉपी में, दिमाग में सगले बैठ जाएगा। और ये फिजिक्स है, इसमें समझना है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेसन। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स का टाइप। अब देखो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नाम से ही लग रहा होगा कॉन्टैक्ट मतलब क्या, कॉन्टैक्ट में होगा बॉडी ऑब्जेक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या, कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, यहाँ मतलब क्या, कॉन्टैक्ट में होगा बॉडी और आपस में फोर्स लग रहा होगा। यहाँ कॉन्टैक्ट में नहीं होगा फिर भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा। तो ये है कॉन्टैक्ट फोर्स और ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग एक एक करके जानेंगे दोनों के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स इज द, आप क्या लगाओगे, पूरा लिख दूं, लिखता हूं मगर तुम लोग नोट नहीं करते हो, नोट करो, तुम लोग के लिए लिखा जा रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स बिटवीन, फोर्स एक्सर्टेड लिख सकते हो, फोर्स अप्लाइड लिख सकते हो। ठीक है, इट इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मतलब ये फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपस में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तब जो फोर्स लगता है। समझ में ऐसे नहीं आ रहा, समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो इसका। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, देखो ब्लॉक है, इसको क्या कह रहा है, इस ब्लॉक को क्या कह रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है इस ब्लॉक को। ठीक है, ये भी चलो कोई आदमी है, ये उसका क्या है, हैंड है। तो ये हैंड जो आदमी का है, ये इस ब्लॉक को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। समझो कि ये ब्लॉक को मैं इस तरफ से पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिगर मैंने इसका ये हाथ दिखाया है जो ना, ये क्या है, इस ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे मैंस हैंड इज, मैंस हैंड इज इन द
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लॉक एंड ही इज पुशिंग द ब्लॉक, ही इज पुशिंग द ब्लॉक। वो क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, ब्लॉक को पुश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है यहां पे, ब्लॉक को पुश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है इसको, यहां पे ब्लॉक को क्या कर रहा है, मैन, मैन क्या कर रहा है, ब्लॉक को पुश कर रहा है। तो ब्लॉक को पुश करेगा मतलब क्या, यहां पे फोर्स लगा रहा है, पढ़ाया था ना मैंने, पुश इज द फोर्स दैट मूव्स द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम वन सेल्फ। जिन्होंने देखा होगा वीडियो लेक्चर पहले का, उनको सब समझ में आ रहा होगा। पुश क्या होता है, एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को खुद से दूर धकेलता है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बट फोर्स लगा रहा है क्या, पुश का। और यहाँ पे क्या है, मैन्स का जो हाथ है, ये जो मैन का हैंड है, वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ब्लॉक के साथ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इच अदर। तो यहां पे देखो, तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट्स कौन कौन हो गया, ठीक है, यहां देखो लिखता हूं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा यहां ना, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मैन हो गया, और दूसरा कौन हो गया, ब्लॉक हो गया। हुआ, अब देखो ये मैन क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अपने हाथ से, मतलब क्या, उसका मसल्स, उसका हाथ क्या है, हमेशा ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो वो फोर्स लगा रहा है ड्यू टू हिज मसल्स, ड्यू टू हिज मसल्स, यहां लिखो ड्यू टू हिज एक्शन ऑफ मसल्स। हाथ से लगा रहा मतलब क्या हो रहा है, ये मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने मसल्स के एक्शन से क्या कर रहा है, ये ब्लॉक को पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फोर्स आ गया, यहां पे कौन सा फोर्स आ गया, यहां पे मस्कुलर फोर्स आया। बात समझो, इस ब्लॉक को ये आदमी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इसका जो हैंड है, ये क्या है, मैन का हैंड है, वो क्या है, हमेशा कांटेक्ट में होगा ब्लॉक के। दो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, मैन और ब्लॉक। तो यहां पे मैन है और यहां पे ब्लॉक है। ठीक है, मैं यहां अच्छे से लिख देता हूं क्या, मैन का हैंड, मैन्स हैंड, पूरा अच्छे से लिख दिया, मैन और उसका हाथ। तो मैन है मतलब उसका हाथ तो रहेगा ही, तो इसको मैन हैंड लिखो या मैन लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक ब्लॉक है, दोनों क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। बट यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मैन का हाथ है, तो आप मैंस हैंड समझ सकते हो। बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ कौन सा दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो कितने लोग बोलोगे सर आप मैंस हैंड लिख दीजिए, तो लीजिए लिख देते हैं, मैंस हैंड ही रहने दीजिए। ठीक है, पहला क्या है, मैन का हाथ, और दूसरा क्या है, ब्लॉक। अब मैन हाथ से लगा रहा है, पुश कर रहा है, फोर्स पुश कर रहा है मतलब क्या, फोर्स लगा रहा है। अब ये कौन सा फोर्स लगाएगा, हाथ से लगा रहा है, तो उसका हाथ का जो लगाओगे तो क्या होगा, मसल्स बना होता है, मसल्स का एक्शन होगा, उसके वजह से क्या होगा, मस्कुलर फोर्स यहाँ पे मैन लगा रहा है। और मस्कुलर फोर्स किसके वजह से लग रहा है, मैन के हाथ की वजह से लग रहा है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ब्लॉक का, इसलिए मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का ये एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आया, मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। सारा कुछ मैंने लिखा और आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया मैंने फिगर से। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन कौन है, एक ऑब्जेक्ट है मैंस का हाथ, मैंस हैंड, दूसरा क्या है, खुद में ब्लॉक। तो मैन का हाथ हमेशा क्या होगा, जब तक पुश करेगा तब तक क्या होगा, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही होगा, किसके, ब्लॉक के। अब जो मैन हाथ से पुश कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे पुश लग रहा है मतलब क्या, पुश एक फोर्स है, और ड्यू टू फोर्स किसके वजह से लग रहा है, ड्यू टू हिज एक्शन ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो
तो मस्कुलर फोर्स जब मैं बताऊंगा तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा यहां पे, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। देखते चलो साथ साथ, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला एग्जाम्पल किसका है, मस्कुलर फोर्स का है। तो यहां पे मसल्स के वजह से, मसल्स के एक्शन की वजह से आया मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का यहां लिख लो, लिख लेना कॉपी में साथ साथ, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। यहां पे हैंड का मसल्स का काम हो रहा है, ठीक है। और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, यहां पे क्या ले सकते हो, मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। कोई एक बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, किक कर रहा है। तो फुटबॉल को कर रहा है, तो यहां पे देखो तो फुटबॉल को कर रहा है, तो यहां पे इसका एक्शन ऑफ मसल्स कौन कौन काम करेगा, किसका, इसके लेग और इसका हैंड। कब, ड्यूरिंग फुटबॉल प्ले, मतलब ड्यूरिंग प्ले ऑफ फुटबॉल लिख सकते हो, ड्यूरिंग प्ले ऑफ फुटबॉल इसका लेग और हैंड क्या करेगा, लेग और हैंड का क्या होगा, लेग और हैंड का एक्शन ऑफ मसल्स होगा, ठीक है, बात को समझना। लेग और हैंड का एक्शन ऑफ मसल्स होगा, और यहां पे इसका ये क्या होगा, ये मेरा फुटबॉल हो गया, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन कौन है, यहां दो, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन कौन है, एक फुटबॉल है, ठीक है, और एक क्या है, ये मैन का हैंड, देखो ये मैन का हैंड इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, और ये मैन का पैर इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा। देखो मैंने मैन का हैंड और पैर क्या होगा, यहाँ पे मैंस हैंड एंड फुट विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ ब्लॉक, ब्लॉक नहीं सॉरी फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पे जब किक करेगा, ठीक है, या हाथ से थ्रो करेगा तो दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा ना। किक करेगा तो क्या होगा, पैर का मसल्स का एक्शन काम में आएगा, और जब थ्रो करेगा तो हाथ का मसल काम में आएगा फुटबॉल को। तो यहाँ मैंने लिख दिया ड्यूरिंग फुटबॉल प्ले लेग और हैंड क्या होता है, उसका एक्शन ऑफ मसल्स में होगा, ठीक है। ये लिख देता हूं क्या, ड्यूरिंग फुटबॉल लेग एंड हैंड आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ किसके साथ, फुटबॉल के साथ, ठीक है। तो लेग हो गया मेरा पहला ऑब्जेक्ट, हैंड हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, और फुटबॉल हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट। तीनों आपस में कॉन्टेक्ट में हैं, और फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो मस्कुलर फोर्स इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं मस्कुलर फोर्स, बस समझ में आया ये चीज ना। अब देखो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का मैं लिखता हूं यहां पे एक चीज और, ठीक है। देखो इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने यहां क्या लिखा, मस्कुलर फोर्स के वजह से हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या करता है, मूव करता है, करता है ना जी। हमारा हाथ भी मूव कर रहा है, हमारा पैर भी मूव कर रहा है, फुटबॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा हाथ का मस्कुलर फोर्स एक्शन में आ रहा है और मूव कर रहा है, हाथ मूव कर रहा है, उसके वजह से किक कर रहे हैं पैर से, किक कर रहे हैं पैर से, तो क्या हो रहा है, हमारा पैर का मसल्स एक्शन में आ रहा है, उसके वजह से हमारा पैर मूव कर रहा है। तो मैंने वही लिखा ना यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैंने एग्जांपल देते हुए आपको यहाँ प्रूफ किया कि मस्कुलर फोर्स इस केस में कैसे लग रहा है, और फिर ये होता है एक्शन ऑफ मसल्स के वजह से, और ये इनेबल्स करता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। और एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, फुटबॉल का प्ले, मतलब ड्यूरिंग प्ले ऑफ फुटबॉल। मैं यहां लिख सकता हूं क्या, ड्यूरिंग प्ले ऑफ फुटबॉल,
ये आपका एग्जाम्पल है, ये क्या है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, इट इज़ अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इच अदर। यहाँ पे ब्लॉक है, हैंड है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, ऑब्जेक्ट और मैंस का हाथ, और इस पर फोर्स लग रहा है, पुश कर रहा है तो फोर्स लग रहा है, और फोर्स किसके वजह से लग रहा है, एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से लग रहा है, इसलिए क्या आ गया, मस्कुलर फोर्स आ गया। तो मैंने लिख दिया मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया फुटबॉल का प्ले का, ठीक है, उस केस में आपका हाथ और पैर दोनों का मसल्स एक्शन में आ रहा है, जिसके वजह से आपका हाथ का मूवमेंट हो रहा है और पैर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा यहाँ पे इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन दिस केस कौन सा, हैंड और लेग, लिखा ना यहाँ पे लेग एंड हैंड आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फुटबॉल एंड यहाँ पे एक्शन ऑफ मसल्स हुआ और मूव भी करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्कुलर फोर्स का, इसको पहले नोट करो, यहाँ तक ऐसे नोट्स करो। कैसे नोट करोगे, इसका लिखोगे डिफिनेशन, फिगर बनाओगे जैसे जैसे मैंने किया है आपको करना है। यहाँ पे जब आओगे ना मस्कुलर फोर्स का, ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पे एरो देखे नहीं, आपको पॉइंट पे लिखना है, पहला मस्कुलर फोर्स इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, मस्कुलर फोर्स इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यहां क्या लिखोगे, इट इज, ठीक है, कौन, मस्कुलर फोर्स किसके लिए है, मस्कुलर फोर्स का, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। फिर आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट इनेबल्स, क्या लिखोगे आप, इट नहीं, आप लिखोगे मस्कुलर फोर्स इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद आप यहां क्या करोगे, इसको एग्जाम्पल एक दे दोगे, ये दे दो या ये दे दो, यहाँ पे बस हैंड हो रहा है, यहाँ पे हैंड और आपका हाथ दोनों हो रहा है, हैंड और आपका, सॉरी हाथ और हैंड एक ही होता है ना, हैंड और पैर दोनों हो रहा है फुटबॉल को किक करने में या फुटबॉल को फेंकने में, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया, ऐसे नोट करोगे, ठीक है, इसको नोट करो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तभी कांटेक्ट फोर्स होगा। तो बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, अभी आपने सारी राम कहानी बताई, कांटेक्ट फोर्स में तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपस में कांटेक्ट में हो और फोर्स दोनों के बीच में एक्सर्ट करें, मैंने बताया। बट अब मैं कह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट से फोर्स हो, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करता हूँ एग्जाम्पल से। सर ये क्या बना रहे हो, अरे बाबा ये मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉल, ये मान लो कोई हमारा रॉड है और ये क्या है, मान लो हमारा हैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा हैंड है, ये क्या है, रॉड बोलो या स्टिक बोलो जो बोलो इसको, और ये क्या है, बॉल है, और ये क्या है, ये क्या है जी, सर ये तो होल है, तो लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये क्या है, होल है, मतलब इसमें आपको बॉल को डालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये हैंड है, अब क्या होगा, ये बॉल, मेरा मकसद क्या है, इस बॉल को इस होल में डालना, तो हम क्या करेंगे, रॉड को हाथ से पकड़ेंगे, मतलब ये हैंड ये रॉड पे क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, इस हैंड ने इस रॉड पे क्या किया, फोर्स लगाया, और इस रॉड ने इस बॉल पे क्या किया, फोर्स लगाया, और ये आपका निशाना अगर सही होगा तो ये बॉल जाके
इसमें चला जाए। तो अब बताओ इस केस में ये चीज होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारा हाथ और ये बॉल के साथ में, हेयर हैंड एंड बॉल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इच अदर, ठीक है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ द हेल्प ऑफ रॉड या स्टिक। हो रहा है ना जी, कि हाथ क्या कर रहा है, इस रॉड पे फोर्स लगा रहा है, तब ना हम लोग फोर्स लगाते हैं पीछे से उसको रॉड पे, स्टिक पे, और रॉड क्या होगा, इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, और अगर आपका एम सही है तो बॉल इस होल में चला गया एंड यू आर द विनर। तो यहां इस केस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इन द कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। यहां पे है ना जी, यहां पे मेरा हैंड, ठीक है, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा रॉड या स्टिक, दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड बॉल, ठीक है, ये मेरा हाथ रॉड के साथ नहीं बॉल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, नहीं है, बट बोलेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, हैंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉल थ्रू रॉड। यहां क्या बोलेंगे, देखो यहां लिखे है ना, हैंड एंड बॉल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे आर, यहां अदर यहां लिखा हुआ है, अदर यहां देखो, ईच अदर बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ रॉड और स्टिक, बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ, यहां लिख दो विथ ईच अदर, ठीक है, यहां लिख दो विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ रॉड या स्टिक। क्या लिखोगे, हेयर हैंड एंड बॉल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब दोनों डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विथ द दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ रॉड या स्टिक। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, मस्कुलर फोर्स बताया। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट फोर्स और होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, कौन सा याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स में है, ठीक है, उसको मैं बताता हूं, पहले इसको अच्छे से नोट करो। देखो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, देखो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स का दो एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसमें मैंने साथ में बताया था, बट यहां पे एक बार अलग से देख लो। मस्कुलर फोर्स मतलब क्या हो गया, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, बताया मैंने उस फिगर में, ठीक है, फुटबॉल को किक करेंगे, बस किक करेंगे अगर, तो हमारा क्या होगा, पैर का मसल्स क्या होगा, एक्शन में आएगा और फुटबॉल किक करने में हेल्प होगा, और जब पैर का मसल्स एक्शन में आया उस केस में क्या होगा, मस्कुलर फोर्स इनेबल्स the movement of
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या करता है, इनेबल्स करता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब पैर आया, पैर का मसल्स एक्शन में आया, तो हमारा पैर क्या हुआ, मूव होगा। अगर फुटबॉल को थ्रो करना है तो थ्रो करोगे तो हमारा हाथ का, हैंड का मसल्स क्या होगा, एक्शन में आएगा, और फुटबॉल क्या होगा, थ्रो होगा, तो हमारा उससे क्या होगा, हमारा हाथ मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको मस्कुलर फोर्स का दो पॉइंट, हम लोग अच्छे से जान रहे हैं मस्कुलर फोर्स को, और थोड़ा जान लेते हैं। ये तो हम लोग एक्सटर्नली देख पा रहे हैं मूवमेंट ऑफ हमारा पार्ट्स, जो मैंने बताया एग्जांपल किकिंग ऑफ फुटबॉल के केस में, तो क्या हो रहा है, बस किकिंग छोड़ दो ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप अगर किसी चीज़ को उठा के जा रहे हो पीठ पे, तो आपका हाथ आप पकड़े हो उस सामान को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हाथ और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो ब्लॉक है या जो बोलो उसका कोई बक्सा बोलो जो भी बोलो आप ले जा रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका हाथ का मसल्स और उसका ब्लॉक है आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, और आपका हाथ के मसल्स की वजह से आपके हाथ का मूवमेंट होगा, वहाँ पकड़े रहोगे उसको आप, ठीक है। वो भी एग्जांपल क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स का हो गया। तो ये सब जो मूवमेंट होगा, ये सब क्या है, मेरा एक्सटर्नल मूवमेंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल मूवमेंट है, जो लोग बाहर से दिखाई दे रहा है, हाथ हो गया मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट। अब क्या होता है, इंटरनली भी हमारे बॉडी के इंटरनली भी, ठीक है, हमारे बॉडी के इंटरनली भी, ठीक है, मस्कुलर फोर्स कैसे प्ले करता है उसका एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। हम बात करते हैं किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हम बात करते हैं, ठीक है। उस केस में क्या है, हम जब खाना खाते हैं, माउथ के अंदर खाता आता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है माउथ में आने के बाद यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं तो पहले क्या होता है, हमारे माउथ में जाता है, ठीक है, देखते जाना, माउथ से क्या होगा, माउथ के अंदर की क्या होता है, फूड पाइप होता है एक, ठीक है, फूड पाइप होता है, जिसको हम लोग ओसोफोगस भी बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है, ये क्या है मेरा, हमने क्या किया, यहाँ पे फूड लिया, भोजन लिया, ये फूड क्या हुआ, माउथ में सही डाला ना, वैसे ही फूड पाइप में गया, ठीक है, माउथ के जस्ट अंदर ही होता है फूड पाइप। अब क्या होगा, ये फूड पाइप से होता हुआ ये क्या होगा आपका, एक चीज यहां देखो, ये जो माउथ है ना, यहीं पे फूड पाइप आप बोलो इसको, इसी को बोलो फूड पाइप, जैसे माउथ के अंदर डाला वहां फूड पाइप है, ठीक है। ये खाना क्या हुआ, फूड पाइप से होता हुआ, ठीक है, हमारे स्टोमक में गया, पेट में गया, और वहीं पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप है, पाइप मेरा कैसा होगा, इस तरह का होगा, ये फूड पाइप कैसा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का मेरा फूड पाइप है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मेरा स्टोमक में गया, यहाँ से मेरा मान लो ये मेरा स्टोमक है, ठीक है, ये मान लो मेरा स्टोमक है, ठीक है, और यहाँ से हमने भोजन को लिया है, और ये क्या है मेरा फूड पाइप है, ठीक है। तो और ये मेरा मान लो माउथ है, ये क्या है मेरा माउथ है, यहां फूड पाइप, यहां लिख देता हूं फूड पाइप, नीचे में फूड पाइप, देखो ये माउथ है, यहां फूड पाइप है, ठीक है, और ये खाना कहां गया, स्टोमिक में, ये स्टोमिक मेरा मान लो, यहां पे क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होगा। तो ये जाता कैसे है, ये जो फूड यहां, ये जो जा रहा है, ये फूड दिख रहा है ना यहां पे, ये फूड जा रहा है, ठीक है, ये फूड जा कैसे रहा है, ये फूड जाता कैसे है,
फूड पाइप क्या होता है? ये आपका मसल से बना होता है, ठीक है। ये जो अंदर फूड पाइप दिख रहे हो ना, ये सब क्या है? मसल्स है। और मसल्स के मूवमेंट के वजह से, मसल्स के एक्शन के वजह से फूड पाइप क्या होता है? फूड को स्टोमिक तक ले जाएगा। ये जो अंदर में मेरा ये फूड जा रहा है ना, ये फूड मान लो जा रहा है, इसको स्टोमिक तक ले जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा फूड आ जाएगा, ठीक है। बट कैसे आता है? फूड पाइप के थ्रू आता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग OESOPHAGUS एसोफेगस ही बोलते हैं, ये साइलेंट होता है, इसको एसोफेगस पढ़ा जाता है, ठीक है। ये ए है। तो फूड पाइप का दूसरा नाम है इसका, इसको और में जान सकते हो। तो सर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? नहीं, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं मस्कुलर फोर्स इंटरनली कैसे होता है। तो फूड पाइप क्या होता है? मसल से बना होता है और जो हेल्प करता है। अब मसल से भाई, तो उसके एक्शन होगा, मतलब क्या मूवमेंट होगा। हम बताए क्या मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स एंड इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एक्सटर्नली तो आपको दिखता है हाथ पैर का मूवमेंट, बट इंटरनली क्या होता है? फूड पाइप में मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से, ठीक है। और हमारा खाना क्या होता है? जब मूवमेंट होता है तो खाना धीरे धीरे स्टोमक में पहुंच जाता है और वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसी तरह अगर जानोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है, सांस लेने में हमारा जो डायफ्राम होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर बात करेंगे हम, अगर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यहाँ भी मूवमेंट ऑफ मसल्स होगा। कैसे होगा वो जानो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा डायफ्राम क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग क्या होता है, समझो पहले क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़े, सांस को लिए, यही होता है ब्रीथिंग का प्रोसेस। बी इनहेल, बी एक्सेल हेयर एंड बी इनहेल हेयर, ठीक है। तो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो जब सांस को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्सेल करते हैं, मतलब सांस को छोड़ते हैं, मतलब आउट, ठीक है, एक्सेल द एयर, ठीक है। तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? बाहर की तरफ, ठीक है। ये क्या होता है इस केस में? मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड, ठीक है। और ये मूव कैसे करता है आउटवर्ड? क्यों? क्योंकि डायफ्राम में क्या होता है? मसल्स से बना होता है, तो एक्सेल मसल्स होता है। और डायफ्राम क्या होता है? बाहर की तरफ मूव करता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। तो अब जब सांस को इनहेल करेंगे तो जो अब इनहेल करेंगे मतलब क्या? हमको जगह बनाना है सांस आने के लिए, हवा आने के लिए, सांस नहीं हवा आने के लिए। तो क्या होगा? डायफ्राम क्या होगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होगा? मेरा डायफ्राम जो है मेरा, जब हम लोग इधर नहीं, एरो क्या होगा? एरो अंदर की तरफ, एरो क्या होगा? अंदर की तरफ, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे? एयर को इनहेल करेंगे, ठीक है, तो मेरा डायफ्राम क्या होगा? मूव इनवर्ड्स टू कॉम्पेंसेट द स्पेस ऑफ एयर कमिंग इन। ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है तो हवा अंदर आता है। तो डायफ्राम क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ी मूव करेगा, वो मसल्स का बना होता है, ठीक है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है? हमारा मूवमेंट होता है। और ये सारा किस में होता है? नोजल कैविटी में होता है। ये सारा किस में आपका होगा? नोजल कैविटी में होता है। देखो ये सब मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मसल्स का मूवमेंट एक्सटर्नल आप देख लिए, हैंड को मूव कराओ, लेप को मूव कराओ, इंटरनल आपको दिखा रहा हूँ एक डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस तरह। तो ये क्या हो गया आपका पूरा मस्कुलर फोर्स की कहानी हो गई। मैंने आपको अच्छे से यहाँ बता दिया, वहाँ मैं आपको समझा रहा था अलग अलग तरीके से, यहाँ मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया मस्कुलर फोर्स क्या होता है।
और ये कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है वो तो आप देख ही रहे हो। आप जब किक कर रहे हो फुटबॉल को तो आपका हाथ भी और पैर भी कॉन्टैक्ट में है। यहाँ अभी देख लो, फुट मेरा क्या एक ऑब्जेक्ट है और फुट पाइप क्या है सेकेंड ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या है मेरा फुट और फुट पाइप, ठीक है, दोनों क्या है जी, दोनों क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना। अरे खाना अंदर गया तो अंदर ही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना। और फुट पाइप क्या है मेरा मसल है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, उसको अंदर धकेला, फोर्स लगा रहा है ना उसको अंदर ले जाने में। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये मेरा इस केस में ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये इस केस में ऑब्जेक्ट टू हो गया, और आपस में दोनों क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अंदर काम कर रहा है, वो क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ एयर एक ऑब्जेक्ट और डायफ्रागम दूसरा ऑब्जेक्ट, एयर को अंदर लेना है तो डायफ्रागम नीचे जा रहा है आपको जगह खाली कर रहा है, एयर को बाहर करना है तो डायफ्रागम ऊपर आ रहा है आपको हवा को बाहर निकाल रहा है। और डायफ्रागम कैसे मूव कर रहा है, ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, क्योंकि डायफ्रागम क्या होता है मसल्स से बना होता है। इतने अच्छे से जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पेशेंस के साथ इसको समझना है, उसके बाद नोट करना है, ठीक है, इसको नोट करो। ये पहला एग्जांपल इंटरनल, ये किसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जी, ये इंटरनली मूवमेंट, इंटरनल एक्शन बोलो ऑफ मसल्स, या इसको एक और बोल सकते हो ना इंटरनल मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इनसाइड, इंटरनल मूवमेंट ऑफ मसल्स इनसाइड अवर पार्ट ऑफ बॉडी, या इंटरनल एक्शन ऑफ मसल्स ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंटरनल एक्शन ऑफ मसल्स या इंटरनल मूवमेंट ऑफ मसल्स इनसाइड आवर बॉडी, ये दो इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल वन, ये एग्जाम्पल टू। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल वन क्या था, फुटबॉल वाला, और एक सामान लेके जा रहे हैं वो वाला, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो अब जानेंगे किसके बारे में हम लोग, अब जानेंगे सेकेंड टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्या जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानेंगे। ये बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, फिर से बताया तो बोले बहुत, मैंने कहा कि अच्छे से आपको बताऊंगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है क्या इससे, फ्रिक्शन, ये किस चिड़िया का नाम है सर, ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है, ये फ्रिक्शन क्या है, इट अपोजेस द मोशन, ये क्या करता है फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, मतलब आपके मूवमेंट को, मोशन क्या होता है जी, बॉडी जब मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट, घर से हम मूव कर गए 5 किलोमीटर, तो कहाँ से मूव किए, घर से मूव कर गए, क्या होगा मोशन, मतलब इट अपोजेस द मोशन, ये मोशन को क्या करता है अपोज करता है, और इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल दो या मूवमेंट ऑफ बॉडी बोल दो, ठीक है, ये होगा, ये हमेशा एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन या मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब मोशन कैसे आएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आएगा, मतलब क्या होगा, अरे भैया ये ब्लॉक को अगर मूव कराना है, ये ब्लॉक को अगर मूव कराना है, यहां से इस ब्लॉक को मूव कराना है, देखो इस ब्लॉक को हमको मूव कराना है, तो क्या करेंगे यहां पे, क्या करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक को मूव कराना है। देखो ब्लॉक से अच्छा क्या ले लो, एग्जांपल ले लो बॉल का, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक भी ले सकते थे,
बहुत ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी हो जाए इसके लिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे किसका, बॉल का। देखो कभी बॉल बनाओगे ना तो ग्राउंड से ऊपर नहीं ना हवा में रहेगा, उसको सटाना है, इसको क्या करते हैं हम सटा देते हैं, ठीक है। इस ये क्या है जी, बॉल, ठीक है। ये बॉल को क्या करना है, यहां से हम क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अरे तब तो बॉल मूव करेगा, ये बॉल क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये बॉल क्या कर रहा है, यही बॉल है वो, बॉल का शेप नहीं चेंज हुआ है, बॉल मेरा यही है, पूरा सटाक ले जाओ, ठीक है। अब मेरा बॉल यही है, ठीक है। यहां पे आया, अभी मूव कर रहा है बॉल, मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ये मान लो पोजीशन बॉल का ए है, ये बी पोजीशन पे भी मूव कर रहा है, और ये फाइनली बॉल क्या हुआ, यहां पे आके मतलब सी पोजीशन पे आके, यहां पे आके बॉल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मैंने एग्जांपल दिया, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स बॉल पे लगा, ए पोजीशन में बॉल क्या हुआ, मोशन में स्टार्ट हुआ। सेकंड पे आया, यहां पे पोजीशन में, ये फर्स्ट पोजीशन बॉल का ए पे, सेकंड बी पे, और थर्ड आपका सी पे। तो देखो यहां पे जब बॉल, मैंने क्या बताया, यहां पे फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है मोशन। जब बॉल अपने आप तो नहीं रुक जाएगा ना, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इस बॉल को रोके, मतलब हम वहां पे नहीं जाके बॉल को रोक रहे हैं, आप जाके नहीं रोक रहे हो, या कोई ऑब्जेक्ट बॉल के सामने नहीं आ गया है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स द मूवमेंट ऑफ बॉल हैज स्टॉप्ड, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के बॉल मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये बॉल कैसे स्टॉप हुआ, जादू से तो नहीं हुआ, घोष ने तो नहीं किया। तो दिस बॉल हैज स्टॉप्ड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग बॉल एंड इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर बॉल इधर मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा। यहां कौन सा फोर्स लगेगा, यहां लगेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, समझे। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे बोलते हैं वो बताता हूं, पहले यहां समझ लो। फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, अपोजिट लगा बॉल के मूवमेंट के डायरेक्शन के, मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, देखो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या मोशन या मूवमेंट ऑफ बॉडी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगा है, अपोजिट लगा है। अब यहां भी क्या है, बॉल मूव कर रहा है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, जिसका जितना पावर वो क्या होगा, दैट विल बी द विनर। तो यहां पे ये बॉल मूव कर रहा है, ये चीज बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या है, बड़ा है फ्रिक्शनल फोर्स से, है बड़ा, इसलिए क्या हुआ, बॉल अपना मूव किया। यहां भी बॉल क्या है, मोशन में है, तो यहां भी क्या होगा, इधर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां भी लगेगा, ये जो लगा फ्रिक्शनल फोर्स लगा, यहां बॉल आके, अब यहां बॉल मोशन में, मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स यहां क्या है, ज्यादा रहा होगा। इस केस में भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए ये बॉल मूव कर रहा। अगर ये ज्यादा रहता तो बॉल क्या होगा, आगे ना जाके पीछे मूव करेगा। अरे सर ये कैसे हो गया, ये होता है, बता रहा हूं मैं।
अब देखो इस केस में ये बॉल अभी भी मोशन में है, मूवमेंट में है, मतलब यहां भी क्या होगा, सेम होगा। केस टू में भी सेम होगा, यहां टू पे भी सेम होगा। क्या सेम होगा? एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड में आके बॉल स्टॉप हो गया, यहां लगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, समझ जाओ शॉर्ट में लिखा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये मेरा बॉल स्टॉप हो गया। तो इस केस में, थर्ड केस में क्या होगा, यहां किसका जीत हुआ जी? बॉल यहां स्टॉप है, समझो बॉल यहां स्टॉप है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बॉल यहां रुक गया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को घटाते घटाते, शुरू में मान लगा होगा ये मेरा 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, यहां फ्रिक्शन क्या किया इसको 10 न्यूटन का कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मेरा यहां पे मान लो, मैं मान के चलता हूं 5 न्यूटन का लगा होगा, सपोज कर लो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना का लगा होगा स्टार्टिंग में, 5 न्यूटन का। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा, सेम फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, सेम है। यहां फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा, 5 न्यूटन का, समझ लो अच्छे से। ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। मैं यहां ई एक्स लिखता हूं, ई एक्स टी लिख देता हूं, ई एक्स टी एफ, ठीक है, 10 न्यूटन का घट गया ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा था। अब यहां फाइनली आके ये हो गया मेरा एक्सटर्नल फोर्स यहां पे 5 न्यूटन थर्ड केस में, और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या था मेरा, 5 न्यूटन था यहां पे। देखो 5 न्यूटन शुरू से लिया हुआ हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। बात समझो, एक्सटर्नल फोर्स भी यहां क्या हुआ, घटता, अरे घटेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या अपोजिट लगा रहा है, ठीक है। तो अपोजिट मैंने बताया आपको, देखो सारा इंटर रिलेटेड है। इस केस में देखो, इस केस में केस वन का बात मैं कर रहा हूं, इधर लगा मेरा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कितना 20 न्यूटन ये लगा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है मेरा 5 न्यूटन। तो मैंने बताया है ना, जब इक्वल नहीं अनइक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, तो इस केस में इस बॉल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा जी, 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, मतलब 15 न्यूटन होगा, नेट फोर्स ही होगा। तो घटा ना 20 न्यूटन से, घट गया, घट के यहां पे जो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स आया, इसको मैं कम कर दूं, 10 तो मैं अप्रोक्स दिया था ना, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, तो यहां क्या हो गया, ये 15 न्यूटन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स बचा, मतलब नेट फोर्स बॉल पे इतना अब लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को हटाने के बाद। फिर से क्या होगा, बॉल यहां आया, तो यहां पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 15 माइनस 5 10 न्यूटन। देखो मैं आपको विदाउट कैलकुलेशन बता रहा था, बस अप्रॉक्स लेके बता रहा था, बट अगर अब बात करूं कैलकुलेशन का, तो यहां पे तो 15 न्यूटन, यहां 5 न्यूटन, तो सर आपने बताया अपोजिट फोर्स में क्या करना है, माइनस करना है, तो यहां क्या होगा, 15 माइनस 5 जाके यहां बॉल पे कितना लगा है अभी भी 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है 5 न्यूटन। तो बॉल अभी भी क्या होगा, स्टॉप तो यहां नहीं होना है, क्योंकि अभी भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बड़ा है फ्रिक्शन फोर्स से। तो बॉल कहां स्टॉप होगा सर, बॉल अगला स्टेप में स्टॉप होगा, देखते हैं।
बॉल यहाँ आया, ठीक है, यहाँ लगा मेरा फ्रिक्शन, कितना का? 5 न्यूटन। और देखो यहाँ से बॉल इस डायरेक्शन में आया है मेरा, तो ये 10 है, ये 5 है, ये क्या है मेरा? फोर्थ पोजीशन है। ये क्या है मेरा? फोर्थ पोजीशन है। ये क्या है मेरा? फोर्थ पोजीशन है। तो इस केस में यहां पे नेट फोर्स कितना आएगा? देखो तो 10-5 करेंगे तो क्या होगा? ये 5 न्यूटन। मतलब फोर्थ केस में मेरा नेट फोर्स क्या आ गया? 10-5, 5 न्यूटन। और फ्रिक्शन भी मेरा कितना है यहां पे? 5 न्यूटन। तो क्या होगा यहां पे? फ्रिक्शन में यहां क्या होगा? 5 न्यूटन। तो दोनों बराबर हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन। तो यहां पे क्या हो गया? बॉल स्टॉप। बॉल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये सारा जो मैं किया हूं ये किसके अंदर आता है? ये किसके अंदर आता है आपका? ये आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेशन। ये किसके अंदर आता है? फ्रिक्शनल फोर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स को मैंने माना 20 न्यूटन बॉल पे जो लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? 5 न्यूटन। तो मेरा बॉल पे नेट फोर्स जो इस बॉल को आगे लेके जाएगा, ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 5 न्यूटन। मतलब बॉल को लगा कितना? 20-5, 15 न्यूटन। सॉरी, 5 न्यूटन नहीं, 15 न्यूटन, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा था 5 न्यूटन का। ठीक है, यहां देखो क्या लग रहा था, यहां लगा। अब इस बॉल को जो आगे लेके जाएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा? देख लो, 15-5, 10 न्यूटन। यहां कौन सा फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। थर्ड केस में मैंने वही बताया ना, फ्रिक्शन कितना? 5 न्यूटन काम कर रहा है। फिर से क्या होगा? अपोजिट फोर्स है, तो क्या करेगा? नेट फोर्स जो ये निकला मेरा नेट फोर्स, ये क्या होगा? माइनस होगा। मतलब 10 न्यूटन-5 न्यूटन। तो यहाँ क्या आ गया? 5 न्यूटन। और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है। तो क्या होगा यहाँ पे? बॉल स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फोर्स इक्वल हो गया। मतलब ये क्या हो गया मेरा? बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। यहां तक क्या था? मतलब 3 तक क्या था? अनबैलेंस फोर्स था। और 4 में आके क्या हो गया? दोनों फोर्स बैलेंस हो गया, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। इसलिए क्या हो गया? बॉल फाइनली स्टॉप हो गया। मैंने पढ़ाया अभी इन बैलेंस फोर्स। मैंने आपको बता चुका हूं, मैं अभी नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। इक्वल फोर्स होता है, और उसकी वजह से मोशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो चेंज नहीं करता स्टेट ऑफ मोशन को। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हुई आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेशन, फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, सब कुछ बताया। बस एक चीज बच गया क्या, कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है? इज फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इज फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या फ्रिक्शन फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्वेश्चन आपके लिए। तो बोलोगे सर कैसे है बताइए, देख लो, फिर से देख लो। ये मेरा यहां पे ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? बॉल और सरफेस। सरफेस ये कौन सा सरफेस है? रफ सरफेस। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रफ सरफेस पे होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? स्लिपी सरफेस पे होता है। इसलिए हमारा चलना पॉसिबल है रफ सरफेस पे, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम लोग क्या होंगे? गिर जाएंगे, गिर जाएंगे ना जी। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, रख लो यहाँ पे,
कि मैं जा रहा हूँ रोड पे, सामने क्या है, बनाना का पील गिरा हुआ है, बनाना का छिलका गिरा हुआ है, जिसको बोलूँ इंग्लिश में उसको पील बोलता हूँ, छिलका गिरा हुआ है। तो हमारा पैर जैसे ही बनाना के छिलका पे आया, पील पे आया, वेन आवर फुट विल टच द बनाना पील और इट विल कम ऑन द बनाना पील, वी विल स्लिप, हम लोग क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो कैसे गिरेंगे, उस केस में बनाना का पील और हमारा फुट, हमारा लेग, दो ऑब्जेक्ट हुआ। और बनाना का पील देखोगे जो छिलका होता है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, वो रफ नहीं होता है। और स्लिपरी में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो क्या होगा, मोशन का अपोज क्या होगा, कम होगा, कम होगा जी। स्लिपरी सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो नहीं होगा, कम होगा। तो आपका मोशन का बोझ क्या होगा, आप ज़्यादा मूव करोगे ना, गिरना मतलब क्या हुआ, आप ज़्यादा मूव किए, अनबैलेंस हो गए, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, इसके वजह से आपका मोशन को उतना अपोज नहीं कर पाता है। इसी वजह से हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ता है, हम लोग स्लिप कर जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लो, जब आपके फ्लोर पे भींगा फ्लोर रहे या चिकना चिकना फ्लोर रहे, टाइल्स उस टाइप का, तो देखते हो लोग दौड़ के स्किड कर जाते हैं उस पर। कैसे स्किड करते हैं, क्योंकि वो स्लिपरी सरफेस है, वो रफ सरफेस नहीं है, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है, जिसके वजह से आपको मोशन को अपोज करने के लिए उतना कोई एंटी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे गिरने का ज़्यादा खतरा होता है। तो ये कहानी हुई सरफेस की, बट हम आपको बता रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है। तो ये बॉल और ये सरफेस, मैंने क्या बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए और दोनों कॉन्टैक्ट में होगा, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो थर्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉन्टैक्ट में होगा। तो एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, बोर्ड था, स्टिक था, बॉल था, ठीक है, और होल था। तो यहाँ पे क्या है मेरा, एक ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बॉल है, और एक ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, रफ सरफेस है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस और यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। देखो यहाँ पे ये बॉल है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट मेरा बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बॉल है, एक ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बॉल है, और दूसरा क्या है, रफ, दूसरा क्या है मेरा, दूसरा क्या है मेरा, रफ सरफेस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक है मेरा बॉल, एक है क्या, रफ सरफेस, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई पूछेगा वाई फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, देन यू विल से दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। एग्जाम्पल दे दोगे बॉल और रफ सरफेस का। तो ये सारी हो गई फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया, कैसे कोई चीज़ स्टॉप हो रहा है, यहाँ तक क्या केस थी तक क्या अनबैलेंस फोर्स है, मतलब यहाँ जीत रहा कौन सा, अनबैलेंस मतलब क्या होगा, एक ज़्यादा तो एक कम, एक्सटर्नल फोर्स जीत रहा था इसलिए बॉल मूव कर रहा था, बट यहाँ पे आते आते एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। एक्सटर्नल फोर्स में बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो फोर्स निकला यहाँ से बॉल के, तो ये नेट फोर्स होगा ना, और यही नेट फोर्स इस सेकेंड केस के लिए काम क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। ऐसे मैंने यहाँ लिखा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स है। कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो आपने दिया 20 न्यूटन और यहाँ पे आप 15 न्यूटन लिखे एक्सटर्नल फोर्स, और इसलिए लिख रहे हैं कि 20 यहाँ पे है और एंटी अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन है। और मैंने आपको बताया था कि फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन जब होता है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। तो यहाँ मैंने देखो मैंने यहाँ किया है ना ये केस, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेट फोर्स निकाला है 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यहाँ पे केस वन ये था, ये वन था, ये टू है और ये थ्री है, फोर मैंने आपको वहाँ दिखा चुका हूँ मैं। तो वन के बाद इस पर जो नेट फोर्स लगेगा 15 न्यूटन का लगेगा, अभी भी 5 न्यूटन क्या हो रहा है, इधर लग रहा है,
तो 15 माइनस 5 फिर से करना पड़ेगा, थर्ड केस के लिए 10 न्यूटन होगा। ठीक है, अभी भी यहाँ क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स तो कम नहीं ना होगा, क्योंकि उसको कम करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, बट एक्सटर्नल फोर्स को कम करने के लिए क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है। फिर यहाँ 10 न्यूटन, फिर यहाँ आगे मूव किया तो क्या होगा, 10 न्यूटन यहाँ पे था, यहाँ 5 न्यूटन था, तो अपोजिट फोर्स माइनस हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ आ जाएगा 5 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन, दोनों बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, बॉल स्टॉप हो गया और ये बैलेंस फोर्स है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स से दिखा दिया, बैलेंस फोर्स कहाँ तक और अनबैलेंस फोर्स कहाँ तक और अपोजिट का भी यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रिक्शन फोर्स को समझना। मैंने आपको कैलकुलेशन भी इसका दिखा दिया कैसे कैसे क्या हुआ, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। यहाँ तक थी कहानी कॉन्टैक्ट फोर्स की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानेंगे किसको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। वहाँ बस क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, फिर भी उनके बीच फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको यहाँ तक के लिए क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स करना है, समझना है और इसका नोट टॉपिक वाइज बनाना है। बट समझ के, एक टॉपिक समझ लिए उसका फिर नोट बना लिए, कैसे, इसको देखते हुए, ताकि आपके लिखा हुआ चीज़ कॉपी में रहे। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।